नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। संजय ने जब महाराज धृतराष्ट्र की कथनानुसार पूरे युद्ध का आरोप युधिष्ठिर के मस्तक पे रख दिया, तब युधिष्ठिर कहते हैं, असंशयम संजय सत्यमेतत्। ये बिल्कुल सही है संजय, जो कुछ तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है कि अगर इस युद्ध में विजय भी हुई तो भी वो पराजय के बराबर होगी, लेकिन फिर भी तुम धर्म को नहीं समझते हो। भैया, इस धर्म की गति बड़ी न्यारी है। धर्म जो है, कहां धर्म बन जाता है, कहां धर्म अधर्म बन जाता है। यत्रा धर्मो धर्म रूपाणि धत्ते, कहां ऐसा होता है कि अधर्म धर्म बन जाता है। धर्मा कृष्णो दृश्यते अधर्म रूपा, और कहां धर्म जो है अधर्म की तरह से दिखाई देता है। कब धर्म अधर्म का रूप धारण कर लेता है और कब अधर्म धर्म बन जाता है, बड़े बड़े लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। और आप इन बातों को बिना समझे ही अगर इस प्रकार से हमको धर्म की शिक्षा दे रहे हैं ना, तो ये योग्य नहीं है। आपको हमने हमेशा महाराज धृतराष्ट्र के सिर्फ सारथी के रूप में नहीं देखा है, आपको हमने हमेशा अपना भी मित्र माना है। और जैसा कि पहले भी कहा, धनंजय अर्थात अर्जुन हमेशा से आपके परम प्रिय मित्र रहे हैं। उन्होंने हमेशा आपको अपना श्रेष्ठ मित्र माना है। अब जो बात तुम कह रहे हो ना, इसका स्वीकार मेरे कर लेने से सारी बात नहीं बन जाती है। द्रौपदी का अपमान सिर्फ मेरा अपमान नहीं था, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, और पत्नी है तो सिर्फ वो पांडवों की पत्नी नहीं है, वो किसी की बहन है, उसके साथ किसी के अन्य प्रकार के भी संबंध है। और जब आपने ये सब कुछ किया है तो आपने शत्रुता सिर्फ पांडवों से नहीं ली है, तो आज का ये युद्ध सिर्फ मेरे निर्णय का अधिकारी नहीं है। ईदृशोऽयं केशवस्तात विद्वान, और आप भी कहते हैं धृतराष्ट्र ने भी ये संदेश भेजा है, बिल्कुल सच है। श्री कृष्ण वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो जो भी निर्णय लें वो निर्णय मुझे मंजूर है, क्योंकि हमें पता है प्रियश्च न साधु तमश्च कृष्णो, कृष्ण हमारे लिए प्रिय भी हैं और हमारे लिए श्रेष्ठ भी हैं। नाति कामे वचनम केशवस्य, हम लोग कभी भी उनके वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो जो कृष्ण यहां पे अनुमति देंगे या कृष्ण जो निर्णय यहां पे करेंगे वही निर्णय सत्य माना जाएगा। युधिष्ठिर ने अपनी तरफ से स्पष्ट कह दिया संजय से, पहले भी कह दिया था कि इंद्रप्रस्थ के राज्य से नीचे कहीं ये समझौता नहीं हो सकता है, एक बात पूरी कर दी थी। फिर भी संजय ने जब प्रयत्न किया तो कहते हैं कि भैया हमें अकेले को आप समझा भी लो, आपकी बात मुझे ठीक लग रही है, आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक है कि यहां तो विजय प्राप्त करके भी पराजय है, लेकिन धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। भाई क्षत्रियों के लिए धर्म क्या है? युद्ध से भाग जाना ये सबसे बड़ी क्षत्रिय की पराजय है, उससे उसको यश नहीं मिलेगा, उससे उसको अपयश ही मिलेगा। तुम कह रहे कि अगर हम युद्ध में प्रवृत्त होंगे तो हमको अपयश मिलेगा, लेकिन धर्म ये कहता है कि अगर पांडव अपनी रक्षा के लिए अपने बचाव के लिए युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हैं तो उनको कलंक लगेगा, इसलिए ये निर्णय अब सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी क्योंकि हमारे मार्गदर्शक श्री कृष्ण हैं, वो जो कहेंगे वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें मंजूर है। अब संजय श्री कृष्ण की तरफ जब देखते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कामो हिमे संजय नित्यमेव नान्यत ब्रूयान तान प्रतिसाम्येति राग्नश्च हि प्रियमेतत् शृणोमि मन्ये चेतत् पांडवानां
समक्षम। देखो भैया, अगर कौरवों और पांडवों में शांति हो जाए तो इससे बड़ी मेरी कोई अभिलाषा नहीं हो सकती है। देखिए, मैंने तो युद्ध में शामिल होने के लिए भी क्या कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कहीं यह संदेश ना जाए कि मेरे बलबूते पे पांडव लड़ने के लिए तैयार हो गए, कि कृष्ण जैसा सक्षम योद्धा मेरे पक्ष में है तो हम तो युद्ध में जीत ही जाएंगे। तो इस युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण ने क्या क्या संदेश दिए हैं, यहां पे कुछ बातें उसकी श्री कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। सुदुष्करस्तत्र समोहिनूनम, लेकिन हे संजय, अब इसको शांत करना बड़ा ही कठिन कार्य है। प्रदर्शिता संजय पांडवे ने, आपने देख लिया महाराज युधिष्ठिर ने क्या कहा है, धृतराष्ट्र के पुत्र जिस राज्य का लालच करके बैठे हुए हैं, अब आप चाहते हैं कि वो कलह सिर्फ एक पक्ष से शांत हो जाए, तो भैया सुदुष्करम तत्र समोहिनूनम, तो इसको शांत करना, अब इस युद्ध को रोक पाना ये बिल्कुल कठिन नहीं, असंभव प्रतीत होता है। और रही बात कि तुम जो शिक्षा दे रहे हो युधिष्ठिर को कि उनको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उनको युद्ध से विरत हो जाना चाहिए, तो भैया क्षत्रियों के लिए भिक्षा मांगना कहीं भी धर्म नहीं कहा गया है। न त्वम धर्मम विचरम संजय, अरे संजय तुमने तो धर्म का विचार ही नहीं किया। हम और युधिष्ठिर कभी भी जिसमें धर्म का आचरण ना हो वो कार्य कर ही नहीं सकते। अरे आप क्या बात कर रहे हो, एक इंद्रप्रस्थ के राज्य के लिए, त्रिलोकी का राज्य, इंद्र का सिंहासन, उससे भी ऊपर प्रजापति के यहां की सारी समृद्धि भी अगर अधर्म के मार्ग पे चल के हमको प्राप्त होने वाली है तो हम और युधिष्ठिर कभी भी उस मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। और रही बात भिक्षा मांगने की, तो क्षत्रियों के लिए ये तो कभी न्यायोचित माना ही नहीं गया है। व्यक्ति को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। पीत्वोदकम साम्यति तृष्णार्थः, व्यक्ति को प्यास लगी हो ना तो उसको पानी पीना पड़ता है, और जब वो पानी पीता है तभी उसकी प्यास बुझती है। ना पानी पानी का गान करने से प्यास बुझती है और ना पानी का ध्यान करने से प्यास बुझती है। कर्म व्यक्ति को करना पड़ता है, कर्म के बल पे ही सभी देवता इस प्रकार से तेजस्वी बने हैं। कर्म के दम से ही सूर्य जो है अतंद्रितो दहते जात वेदो, एकदम जरा सा भी आलस्य किए बगैर अग्निदेव या सूर्यदेव इस पृथ्वी पे अपने कार्य में रत रहते हैं, तो इस सृष्टि की प्रक्रिया चलती है। इस पृथ्वी का भार वहन करने के लिए माता पृथ्वी भी अतंद्रिता भारमिमं महंतम कर्म में रत रहती हैं, और तब इस संसार के भार को वहन कर पाती हैं। आलस्य किए बगैर कर्म करने के कारण ही पर्जन्य जो हैं इस पृथ्वी पे जल की वर्षा करते हैं। यानी अपने कार्यों में अगर आपको सिद्धि चाहिए तो ये पूरी प्रकृति, ये सभी देवगण और समस्त सृष्टि की प्रक्रिया आपको इस चीज का संदेश देती है कि आपको कर्म करना होगा। बिना कर्म किए कोई भी चीज किसी भी प्रकार से किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। नक्षत्राणि कर्मा मूत्र भांति, आप इन जो नक्षत्रों को आकाश में चमकते हुए देखते हैं ये भी अपने कर्मों के कारण ही इस प्रकार से चमकते हैं। रुद्रादित्या वसवो थापि विश्वे, रुद्र देवता हो वसु हो यानी देवता हो विश्वदेव हो सभी अपने अपने कार्य में रत रहते हैं। तो भैया
अब हमारे लिए भी अपने कार्यों का अनुपालन करना ये सर्वथा योग्य है। लेकिन अब जो आप धर्म की बात कर रहे हो ना, जरा उसको भी सुन लो। ब्राह्मणों के लिए ज्ञान दान अध्ययन अध्यापन ये सारे कर्म श्रेष्ठ माने गए हैं, लेकिन इस प्रकार के कर्म क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं माने गए हैं। क्षत्रियों के लिए तो युद्ध करना, संस्कृति की रक्षा करना, यही उनका कर्तव्य है। अगर आप कह रहे हैं कि पांडव अधर्म का आचरण करेंगे अगर वो युद्ध करेंगे, नहीं, आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं। और जिसका पक्ष आप ले रहे हैं, स्तेनो हरेद यत्र धनम ही दृष्टा प्रसह्यवा यत्र हरेत दृष्टा। भाई चोर बिना बताए चोरी कर लेता है और धन को लेके जाता है, और डाकू जो होता है वो आपकी उपस्थिति में आपकी आंखों के सामने देखते देखते आपसे धन को छीन के लेके जाता है। लेकिन दोनों ही निंदा के पात्र हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि डाका डाला उसने चोरी थोड़ी की है, या जिसने चोरी की उसने कुछ गलत कार्य थोड़ी किया है। नहीं, दोनों ही निंदा के पात्र हैं। या दुर्योधन ने जो किया है, या धृतराष्ट्र ने जो उसका समर्थन किया है, वो दोनों ही गलत है। जब भरी सभा में द्रौपदी न्याय की मांग कर रही थी, जिस समय दुशासन उसको खींच के ला रहा था, उस समय सिर्फ और सिर्फ एका छत्ता धर्म अर्थम ब्रुवाणो, विदुर ही ऐसे थे जिन्होंने धर्म पूर्ण बात की थी। स्पष्टतः नाम उल्लेख नहीं किया है, लेकिन एक नाम का उल्लेख करके जब अन्य नामों का उल्लेख नहीं करते हैं तो संदेश स्पष्ट हो जाता है। वो कहते हैं जब द्रौपदी उस भरी सभा में सबसे धर्म की गुहार लगा रही थी, तब सिर्फ और सिर्फ विदुर ने धर्मयुक्त बात कही थी। उस समय जितने लोग चुप रहे थे वो सभी अबुद्ध्वात्वम धर्ममेतम सभाया मथेच्छसे पांडवस्योपदेष्टुम। उस समय उनको कुछ धर्म पता नहीं चला था। आज पांडवों को जो उपदेश दे रहे हैं उन्हें उस समय का धर्म का ज्ञान नहीं है, अर्थात उन सब को उनके किए हुए उस अधर्म की सजा अवश्य मिलेगी। यहां कृष्ण जो हैं अत्यंत गूढ़ संदेश संजय के हाथों भेज रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। जानामि त्वं संजय सर्वमेतत् द्युति वाक्यम गर्हमेवं यथोक्तम् स्वयं तो हम प्रार्थे तत्र गंतुम समाधातुम कार्यमेतत् विपन्न। हे संजय, मैं धृतराष्ट्र उनके पुत्र और उनकी राज्यसभा के कितने अपराध तुमको गिनाऊं? उन्होंने जिस जिस भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने कहां कहां किस किस बात को कहा है, कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो अंदर से खाए जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं स्वयं हस्तिनापुर आऊंगा और मैं स्वयं इसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। अहापित्वा हि पांडवार्थम समम करुणामपि चेच्छसि। भाई, पांडवों के साथ अन्याय ना हो और कौरवों का भी विनाश अगर रुक जाए तो मैं मेरी तरफ से सारे प्रयत्न करूंगा। अभी तो जाकर के धृतराष्ट्र से ये कह दीजिएगा। क्या कहना है, यहां जो संदेश दिया जा रहा है उसको जरा ध्यान से सुनिए। पराजितान पांडवेयांस्तु वाचो रौद्रा रुक्षा भासते धृतराष्ट्रा गदाहस्तो भीमसेनो प्रमत्तो दुर्योधनम स्मारयिता हि काले। जाकर के धृतराष्ट्र से कह देना, भले पांडवों का पराजय हो जाए लेकिन हाथ में गदा लिए हुए भी अभी भी दुर्योधन की जांग तोड़ने के लिए तैयार है। और ये दुर्योधन मृत्युमयो महाद्रुमः, मृत्यु रूपी महान वृक्ष है। कर्ण शकुनी इसकी शाखाएं हैं,
दुशासन इसका पुष्प और फल है और इस वृक्ष का मूल महाराज धृतराष्ट्र है। दूसरी तरफ युधिष्ठिर धर्ममयो महात्मा, युधिष्ठिर जो है ना वो धर्म रूपी महान वृक्ष है, अर्जुन भीम इसकी शाखाएं हैं, नकुल सहदेव इस के पुष्प और फल हैं, और मैं स्वयं श्री कृष्ण स्वयं इस वृक्ष का मूल है। अब दो वृक्ष हैं, एक मृत्यु वृक्ष है और एक धर्म वृक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं वनम राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो, धृतराष्ट्र और उनके सारे पुत्र एक वन के समान है और पांडव पुत्र जो है वो व्याघ्र के समान है, सिंह के समान है। सिंह अगर है तो वन सुरक्षित है और वन अगर है तो सिंह सुरक्षित है। यहां कौरवों के बिना पांडव और पांडवों के बिना कौरव, इनकी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। लेकिन जब तक दुर्योधन रूपी ये वृक्ष, इसकी शकुनी और कर्ण रूपी शाखाएं और दुशासन रूपी इसका फल, इस एक वृक्ष को अगर उस वन में से काट दिया जाए तो समस्त कुरुकुल का कल्याण हो सकता है। इसके अतिरिक्त गुरुकुल का कल्याण तो नहीं है लेकिन पांडवों का भी कल्याण नहीं है, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र और उनके पुत्र अगर वन के समान है और पांडव अगर सिंह के समान है तो सिंह से जैसे वन सुरक्षित होता है वैसे सिंह भी वन से ही सुरक्षित है। निर्वनो वध्यते व्याघ्रो, निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, अगर वन नहीं होगा तो सिंह का शिकार हो जाएगा और अगर सिंह वहां नहीं होगा तो वन को लोग काट के खत्म कर देंगे। इसलिए व्याघ्र वन की रक्षा करता है और वन से व्याघ्र का पालन होता है। कि एक और सुंदर उपमा देते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान हैं और पांडव जो हैं एक विशाल वृक्ष के समान है। जैसे कोई भी लता विशाल वृक्ष का आश्रय लिए बगैर अपने जीवन को टिका नहीं सकती है, ऐसे बिना पांडवों के अगर धृतराष्ट्र चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो कभी नहीं हो सकता है। स्थिता समय महात्मनः पांडवा धर्मचारिणः योद्धा समर्थास्तद विद्वन नाचक्षीया यथा तथा, जाओ और बिल्कुल इसी प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र से कह देना कि धर्म का आचरण करने वाले पांडव जो हैं वो शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने में भी वो उतने ही सक्षम हैं। अर्थात अगर आप चाहोगे तो शांति होगी और आप चाहोगे तो युद्ध होगा। जो बोल यहां से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के पक्ष में फेंका था, श्री कृष्ण ने इतनी सुंदर कीक उसको लगाई है कि वो सीधा धृतराष्ट्र के पक्ष में जाकर के गिरा है। अब आगे क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं ये उद्योग पर्व है और इस उद्योग पर्व में अगर आप ध्यान दें तो उस समय जैसे राजनीति होती थी आज की भी राजनीति बिल्कुल इसी प्रकार से चलती। वो उनके ऊपर दोषारोपण करेंगे और वो उनके ऊपर दोषारोपण करेंगे। सबके पास अच्छे अच्छे वक्ता होते हैं, सभी पार्टियों के अपने अपने प्रवक्ता होते हैं और जब वो बोल रहे हों तो आपको बिल्कुल इस चीज का एहसास हो जाएगा कि इसमें महाभारत में जैसे संजय बोल रहे हैं, कहीं कृष्ण को आगे कर दिया जाता है, कहीं किसी को आगे कर दिया जाता है, इसी प्रकार का सब चलता रहता है। तो राजनीति हमेशा से इसी प्रकार की रही है, इसके चंगुल में ना फंसें, अपने कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद।